Hey guys, this is me Adya and you're watching my channel Exploring Delhi with Adya. तो आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ सीलमपुर थर्सडे मार्केट. इसका पार्ट वन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहाँ जो मैंने आइटम दिखाए हैं वो और किसी मार्केट में नहीं मिलते. सीलमपुर का ही वो हाफ पार्ट है और बाकी का बचा हुआ हाफ पार्ट आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ कवर करने जा रही हूँ. एंड ये मार्केट लिटरली 2 रुपये से शुरू हो जाती है. यहाँ पे लेसेस, पैचेस, बटन्स बहुत कुछ मिल जाता है मात्र 2 रुपये में. और जो मार्केट में रहते हैं या जो इस मार्केट में काफ़ी टाइम से विज़िट कर रहे हैं उनको पता है कि ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है. अगर आपको सिलाई कढ़ाई का शौक़ है या आप बुटीक रन करते हो ना, तो ये मार्केट आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती हैं, स्पेशली रॉ मटेरियल जो कि डिज़ाइनिंग वगैरह से जुड़ा रहता है. तो इस मार्केट में पहुंचने के लिए सीलमपुर मेट्रो स्टेशन सबसे नियरेस्ट है. सुबह 7:30 बजे ये मार्केट लगनी शुरू हो जाती है. दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा यानी आद्या का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें. सो आज के ब्लॉग में जो आप शॉप्स देखेंगे वो ज़्यादातर अल्ताज दवाखाना के बाहर वाली रोड की होगी. तो फर्स्ट शॉप यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ आसिफ भाई की. उन्हीं के पास में तारिक भी अभी थे, तो आसिफ भाई को, तारिक भाई को, इन सबको मैं आपको ग्रीन मार्केट के ब्लॉग में भी दिखाती हूँ जो कि संडे को लगता है. और मैंने उसमें भी बताया कि अगर बाय चांस आपसे सदर बाज़ार ग्रीन मार्केट मिस हो जाता है और आप जो है ड्रेसेस परचेज़ करना चाहते हो तो सीलमपुर थर्सडे मार्केट आ सकते हो. तो ये फर्स्ट ड्रेस आपने देखी, इसके 2 कलर थे, स्काई ब्लू और पिंक, और इसी में एक और अलग डिज़ाइन है क्रॉप टॉप का, तो ये 3000 रुपये की रेंज में मिल जाएगा. तो बाकी सारे जो है मैंने उस टाइम संडे में आपको दिखाए हुए थे. यहाँ पर मैं नंबर शेयर कर रही हूँ आसिफ भाई का, इनसे आप कॉन्टैक्ट करके और भी परचेज़ कर सकते हो. और अल्ताज दवा खाना वाली ही रोड पर सामने आपको एक भैया जी मिलेंगे, और सिर्फ यही है इस पूरी रोड पर जो कि वुडन का बहुत ही प्यारा सा सारा होम डेकोर का आइटम रखते हैं. ये जो आप देख रहे हैं ये डबल मिरर में रहने वाला है, पॉकेट मिरर आप इसे कह सकते हो, पर्स में रख सकते हो इजीली. तो ये 150 से 200 रुपीज़ की रेंज में आपको मिलेगा. और दूसरा जो मैं दिखा रही हूँ ये मेटल में रहता है, और इस तरीके का आपको याद हो शायद तो मैंने सदर बाज़ार में भी आपको एक सेट दिखाया था. तो यहाँ पर ये मिल रहा है 350 रुपये की रेंज में, मेटल की ही कॉम और मेटल का ही यहाँ पर मिरर आने वाला है. हालांकि मैं पर्सनली कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मेटल की कॉम के लिए, क्योंकि काफ़ी हार्ड रहेगी वो हमारी खोपड़ी पर, नहीं आपको नहीं लगता. नेक्स्ट इनके पास में ऐसे चाइनीज़ फ़ैन मिल रहे थे बड़े अलग अलग कलर डिज़ाइन में, और ये बहुत लंबा सा साइज़ का लगभग 4.5 फुट का ये मिल रहा था यहाँ पे मिरर. तो प्राइस मैंने इसका भी कोट कर दिया है. इनके पास में सारा ये जो आप देख रहे हो ये वुडन का रहने वाला है, कैसरोल्स भी वुड के हैं अंदर से स्टील वाले, तो साइकिल वाइकल्स ये सब यहाँ से ले सकते हो आप. नेक्स्ट एक भैया जी यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन बेच रहे थे, हालांकि गर्मी बहुत है तो वेलवेट की तरफ देखा नहीं जाता, लेकिन क्योंकि शादियों में तो वेलवेट का ही लहंगा पहना जाता है, यहाँ पे भैया लहंगे की कलियाँ सेल कर रहे थे, पर कोई भी कली का जो डिज़ाइन है वो सेम नहीं था. अब ऐसे में आप लोग जो मेरे हो व्यूअर्स जो स्टिचिंग जानते हो, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि फिर इन तरीके की कलियों का होता क्या है, जो सिंगल सिंगल डिज़ाइन रह जाते हैं और उसके मैचिंग है नहीं तो वो क्या करें फिर, तो उसका कहाँ यूज़ होगा. और नेक्स्ट यहाँ पर स्लीव्स के लिए भी अलग से इनके पास फैब्रिक मिल रहा था वेलवेट का ही 30 रुपीज़ में, तो ये सब आइटम है. नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे दुपट्टे के बॉर्डर पे लगाने के लिए ये सब लेसेस मिल रही थी. इसके बाद अल्ताज दवा खाना के सामने वाली ही रोड पर आपको यहाँ पे सेट मिल जाएंगे मेंस के कोट पैंट के, तो 3 पीस का पूरा सूट रहने वाला है, प्राइस मैंने कोट कर दिया है. और इसमें जो साइज़ है वो 34 से लेकर 44 तक आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट मार्केट में आपको फैब्रिक बहुत ही सारा मिलेगा. ग्रीन मार्केट में भी ज़्यादातर जो शॉपकीपर्स हैं वो सब सीलमपुर थर्सडे मार्केट में भी लगाते हैं, तो जितना फैब्रिक्स ग्रीन मार्केट सदर बाज़ार में है उससे डबल फैब्रिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. उसके बाद मार्केट में जगह जगह आपको कुछ ना कुछ छोटे छोटे आइटम होम डेकोर के लिए मिलेंगे ही. इसके बाद यहाँ जो शॉप मैं दिखा रही हूँ इनके पास क्रोशिया के पैचेस थे, और काफ़ी कूल थे, काफ़ी हटके थे. आप इन्हें वेस्टर्न ड्रेसेस पे या टी शर्ट्स पे भी लगा सकते हो और सूट्स पे भी लगा सकते हो. तो इनकी जो रेंज है वो 10-20 रुपये के बराबर में थी, कोई 10 वाला पीस था, कोई 20 वाला था. ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, तो जहाँ तक मुझे समझ है तो ये हाथ से ही बनाया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है. चाहे आप बच्चों के स्वेटर में लगा दो या अपने किसी टॉप में लगा लो, सूट में लगा लो. तो इस तरीके का यहाँ पे 20 रुपीज़ का था. नेक्स्ट यहाँ पे टेबल पे सेल लगा हुआ था 100 रुपीज़ का. ये जितना भी आप सैंडल्स का कलेक्शन देख रहे हो तो देखने में स्टाइलिश तो बहुत है. इनका थोड़ा सा मुझे पर्सनली लगा इनका जो हील है वो थोड़ा सा हार्ड था. बाकी आप फंक्शन में थोड़ी बहुत देर के लिए पहनना चाहो तो बिल्कुल पहन सकते हो. 100 रुपीज़ में कुछ नहीं आता, इतना फैंसी नहीं आता.
अल्ताज दवाखाना के बिल्कुल पास में एक भैया आपको यहाँ पे मिलेंगे लहंगे वाले। इनके पास गर्लिश से लेके आपको हैवी ब्राइडल लहंगे भी मिल जाएंगे। और लहंगे का साड़ी का एक अलग से कलेक्शन मैंने आपको पार्ट वन में भी दिखाया था, जो भैया मेरठ से लाते हैं एकदम धांसू कलेक्शन। अगर आपने वो नहीं देखा है सीलमपुर पार्ट वन में तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये भैया लगाते हैं, देखिए यहाँ पर अल्ताज दवाखाना लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में मिल जाएंगे। पूरी मार्केट में ना आपको बहुत सारा फैब्रिक, बहुत सारा कट पीस, बहुत सारे पैचेस और इस तरीके के फैब्रिक को या ड्रेस को डेकोर करने के आइटम्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मात्र 5 रुपये की सेल थी, 10 के 2 ऐसे ही भैया बोल रहे थे, तो 5 रुपये का एक और 10 के 2 आप यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जंग ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी मिल जाती है 50 रुपीज़ की सेल में। ये सब इयररिंग्स रहने वाले हैं जो आप देख रहे हैं, तो इनमें से कोई भी आप परचेज़ कर सकते हो। नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा स्टैंड 50 रुपीज़ का है। पीछे भी इन्होंने टेबल पे काले धागे और एंकलेट्स वगैरह लगा रखी थी, उनका सबका अलग प्राइस है। आगे मैंने यहाँ पे एक शॉप देखी जिनके पास में सारा चिकनकारी का आइटम था, और यहाँ पे सूट पीस भी भैया सेल कर रहे थे चिकनकारी का, उसका मुझे प्राइस नहीं पता चल सका। पर बाकी जो भैया ने यहाँ डिस्प्ले की हुई है ये 200-250-300 रुपये में आपको मिल जाएंगी। इसमें जॉर्जेट भी है, कॉटन भी है, बट मुझे पर्सनली इंद्रलोक की चिकनकारी कुर्तियाँ ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वो सारी फ्रेश भी थी और बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइंस में थी। उस तरीके की मुझे यहाँ पे एक भी शॉप नहीं दिखी है। इसके बाद एक और अंकल जी यहाँ पे देखिए लहंगे की कलियाँ सेल कर रहे हैं, यार इतनी प्यारी लग रही हैं ये देखने में भी, तो 60 रुपये में। सोचो इतना प्यारा प्यारा हैवी वर्क है और सिर्फ 60 रुपये में अंकल जी सेल कर रहे हैं। अब बताइए आप कमेंट करके कि मुझे इन डिज़ाइंस का बाद में होता क्या है, कैसे आप लोग स्टिचिंग में इसे फर्दर यूज़ करते हो। पीछे यहाँ पे एक ब्लाउज का पीस भी अंकल के पास था मात्र 80 रुपीज़ में। तो जिस जिस तरीके के लहंगे बनाए जाते हैं ना, वाइन में, मेरून में, फ्यूशिया में, वो सब अंकल जी के पास में कट पीस मिल रहे थे। इसके बाद एक आंटी जी यहाँ पे शूज़ की सेल लगा के बैठी हुई थी 100, 150, 200 रुपये तक की रेंज में। अच्छे लगे मुझे सारे शूज़, सारे यूज्ड हैं लेकिन फिर भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसके बाद ना एक अंकल जी यहाँ पे कुशन कवर सेल कर रहे थे अल्ताज दवाखाना के बिल्कुल सामने, जो सीधी रोड है उसी की ये सारी शॉप्स मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इनके पास 5 का सेट ही मिल रहा था, सिंगल तो ये नहीं दे रहे थे, तो 5 का सेट था 150 का और 250 रुपये का। पीछे जो आप देख रहे हैं वेलवेट वाले और ऐसे शाइन वाले, ये 250 के 5 हैं। आगे वाले जो हैं यहाँ पर 150 रुपये के 5 आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अल्ताज दवाखाना के सामने ही यहाँ पे कट पीसेज मिल रहे हैं, पैचेस मिल रहे हैं, और ये पूरी मार्केट में आपको जगह जगह मिलेंगे। कुछ तो गलियाँ हैं जो अब मैं पहचान चुकी हूँ, बस एक दो बार और जाऊँगी ना तो पक्का लोकेशन मैप यहाँ का भी आ जाएगा। तो इस बार बड़ी मुश्किल से मैंने सूट वाली गली ढूँढी थी पार्ट वन में, वो सब मैंने आपको दिखा दिया, आप देख लेना। तो थोड़ी सी बस मशक्क़त आपको करनी है इस मार्केट में, गली गली के अंदर जाना है, तो फिर आपको भी मार्केट का रास्ता धीरे धीरे पता चलने लगेगा। नेक्स्ट ना यहाँ पे एक भैया जी चिकनकारी वाला फैब्रिक दे रहे थे, इसे क्या कहेंगे, चिकनकारी है ना ये, तो ये 80 रुपये मीटर के हिसाब से मिल रहा था। कलर्स वगैरह काफ़ी हैं देख सकते हो। इसके बाद यहाँ आपको टॉवल्स मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, 160 रुपीज़ का, बड़ा काफ़ी साइज़ आपको मिल जाएगा इसमें। कलर, डिज़ाइन, पैटर्न बहुत सारे हैं, बस आप जो भी चीज़ लेना अच्छे से चेक उसे ज़रूर कर लेना। तो ये सेल था पूरा आपका 160 रुपीज़ में। इनसे आगे एक भैया जी ने यहाँ पे फैब्रिक का सेल लगाया हुआ था, जॉर्जेट बनारसी, और ये मुझे पता नहीं क्यों बहुत सुंदर लगता है। पहली बार जब मैंने कोई जॉर्जेट बनारसी देखा था वो था रेड कलर का जॉर्जेट और उसके ऊपर गोल्डन कलर का बनारसी वर्क था, और वो मैंने इंद्रलोक में देखा था। तब से ना मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ फैब्रिक की, इतना प्रिटी लगता है ये। तो यहाँ दे रहे थे भैया 100 रुपीज़ मीटर, और उस दिन थर्सडे को देख सकते हो आप कितनी तेज़ हवा थी, और मुझे लिटरली 1% भी नहीं पता था कि उस दिन इंद्रलोक मार्केट नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने दीदी के घर निकली हुई थी, ईस्ट दिल्ली में वो रहती है मैंने बताया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इंद्रलोक नहीं जा पा रही तो मैं सीलमपुर चली जाती हूँ सुबह सुबह, और वो तो बाद में आप लोगों ने बताया कि इंद्रलोक मार्केट ठीक से लगा ही नहीं था। सो इस बार भी लगना ही नहीं लगना, मुझे लिटरली कुछ भी आइडिया नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको टीनेज साइज़ तक के बॉयज़ की शर्ट मिल जाएंगी 150 रुपीज़ की 2, और ये सारी फ्रेश थी। इसके बाद आपको यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की मिल जाएंगी ये सारी बार्बी डॉल्स, और ज़्यादातर इसमें आपको ओरिजिनल पीसेस भी देखने को मिलेंगे। बस ये सब यूज्ड होता है इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, लेकिन बच्चों को चुप कराने के लिए, उनको कम प्राइस में भाई खेल खिलौने दिलाने के लिए ये मार्केट परफेक्ट है। और ये तो बिल्कुल ही मेरे जैसी लग रही थी, जब मैं सो के उठती हूँ ना मेरी शक्ल ऐसी होती है।
और आगे तो दुनिया के सबसे सस्ते खिलौने मिल रहे हैं मात्र 20 रुपये में, और इतने सारे इसमें आर्टिकल्स हैं, जब आपका बच्चा बाथरूम में नहा रहा है, टब में बैठा है, तो उनको साथ में आप डाल सकते हो, टब में देखा होगा आपने चींचू चींचू करते हैं, तो वो है ये 20 रुपीज़ ईच में, ठीक है, ये वाले भैया दे रहे थे। और आगे आपको यहाँ पर पैंट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा, इंद्रलोक में भी एक ही भैया जो पैंट्स लाते हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो आपको मिलेंगे सलीम बावर्ची वाली दुकान के बिल्कुल पास में। सलीम बावर्ची किसी से भी पूछ लेना, झूले वाले पार्क के बैक साइड में वहाँ पे लाते हैं वो भैया पैंट्स, और ग्रीन मार्केट में भी वो लगाते हैं। उसके अलावा मैंने पैंट्स का ज़्यादा कोई खास कलेक्शन वहाँ देखा नहीं है, और यहाँ तो आपको मेन रोड पर ही मिल रहा है 200 रुपये की सेल में इतनी डिज़ाइनर पैंट्स। सामने जो सिंपल वाली आप देख रहे हो 150 है, डिज़ाइन वाली जो है 200 रुपये में आपको मिल जाएगी। इसमें भी कलर पैटर्न बहुत सारे हैं, स्ट्रेचेबल फैब्रिक रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्रॉकरी के आइटम मिल रहे हैं, और इसमें मेलामाइन या ऐसा कुछ नहीं है, है तो ये प्लास्टिक ही, लेकिन 60 रुपीज़ में आपको प्लेट्स मिल रही हैं काफ़ी बड़े साइज़ की, इस तरीके की हैवी बड़ी ट्रे मिल जाएंगी आपको। क्वार्टर प्लेट्स भी हैं, कैसरोल्स भी हैं, ठीक है, इस तरीके के आपको सर्विंग स्पून्स मिल जाएंगे इनके पास में 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ ईच में। इसके बाद एक भैया जी यहाँ पे बस टेबल लगाना शुरू ही कर रहे थे, तो यहाँ पे जो बच्चों के कपड़ों की क्वालिटी है बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं इंद्रलोक में आपको सेल वाले दिखाती हूँ, तो क्वालिटी भी अच्छी थी। 102 साल नहीं कह रही, 1 से 2 साल तक के बच्चे, 102 के नहीं, 1 से 2 साल तक के बच्चों का था। आगे एक टेबल पे कुर्ते की सेल लगी हुई थी, भाई इसमें भी पर्पल कलर का कुर्ता, पर इतना भी मेरा फेवरेट नहीं है कि मैं जीन्स वाला पर्पल कुर्ता ले लूँ, तो इसमें काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं 150 रुपीज़ की रेंज में। ये ब्राउन शेड तो कम से कम अच्छा लग रहा था, इसमें पीच भी है, स्काई ब्लू भी है, पर्पल रॉयल ब्लू सब मिल रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वेलवेट के बैंगल्स मिल जाएंगे 20 रुपीज़ की सेल में, लगभग 2 दर्जन चूड़ियाँ आपको इसमें मिल रही है। साइज़ इसमें 2-8 तक का रहता है, प्लस के लिए इसमें कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, पर ये बैंगल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद एक भैया जी ने यहाँ पे दुपट्टों का स्टॉल लगा रखा था, और इनके दुपट्टे ना प्रिंट वाइज बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, ज़्यादातर जयपुरी प्रिंट में है, और इसमें भैया के पास सारे अलग अलग पैटर्न थे। अभी वो पॉलीथिन में भी अपने सारे पैटर्न्स दिखाएंगे आपको, बस वो लगाना उस टाइम शुरू ही कर रहे थे। ये देखिए ब्लैक में, ब्लू में, रेड में, ग्रीन में, ये सारे हैं ओनली 75 रुपीज़ ईच, और महंगे से महंगा इनके पास में जो आपको मिलेगा वो 200 रुपये तक का मिलेगा। साथ ही ये डायबल वाले फैब्रिक के दुपट्टे भी रखते हैं, तो ऊपर जो देख रहे हैं फैंसी भी है, नेट के भी हैं, ये आपको मिल जाएंगे मैक्सिमम 200 रुपये तक की रेंज में। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको जो शॉप दिखा रही हूँ, यहाँ पे 20 रुपये मीटर मात्र में आपको शैंटून का फैब्रिक मिल रहा है, और कलर्स जितने आप सोच सकते हो उतने मिल जाएंगे, क्योंकि शैंटून जो है लाइनिंग के लिए भी यूज़ होती है, कई लोग इसे बॉटम बनाने में भी यूज़ करते हैं, तो मात्र 20 रुपीज़ मीटर में ये मिल जाएगा। और सामने जो यहाँ पे ड्रेसेस आप देख रहे हैं ये सारी जब्बास भैया की है, जो कि ग्रीन मार्केट में भी अपनी शॉप लगाते हैं, और वहाँ पर भी ये फ़ोन चलाते रहते हैं, यहाँ पे भी फ़ोन ही चला रहे हैं, तो ये ड्रेसेस आपको मिल जाएंगी। अलग अलग सबका प्राइस रहता है 2000, 2500, 1500, और थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी भैया कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको इस तरीके की टेबल पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे एयरिंग परचेज करने के, तो ये सेल प्राइस है मात्र 20 रुपीज़ का, और पीछे तक देखो सब एयरिंग ही एयरिंग लगा हुआ है, जो पसंद आए आप ले सकते हो। तो मेन रोड के बाद ना अब मैं अंदर जाने की तैयारी में हूँ, जहाँ पर ये स्टार्टिंग में भैया मुझे मिले, मुझे इनका नाम याद नहीं है, पर ये भी ग्रीन मार्केट में ही आते हैं, तो इन्होंने ये पूरा जो सेल देख रहे हो आप 800 रुपीज़ का डाल रखा था, और कॉर्नर में इनके पास एक चिकनकारी का फैब्रिक भी था बड़ा प्यारा सा। साथ ही साथ भैया यहाँ पर नेट भी सेल कर रहे हैं, नेट का फैब्रिक है मात्र 10 रुपये मीटर के हिसाब से, बटरफ्लाई नेट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और इन्हीं के पास में यहाँ पे लेसेस के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो 5 रुपये 10 रुपये मीटर के हिसाब से यहाँ से आप लेसेस भी ले सकते हो। और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, सीलमपुर में बहुत सारा फैब्रिक, बहुत सारे कट पीसेस, पैचेस, सिलाई कढ़ाई का जो जो सामान पॉसिबल है ना, जो कटे हुए गले बुकरम के वो सारे मिलते हैं, वो सब कुछ इस मार्केट में मिलता है। तो ये कौन सी गली है जस्ट अभी मैं एक मिनट में आपको आगे बताने वाली हूँ। आगे भी एक भैया ने इस तरीके के फैंसी सूट्स वगैरह लगा रखे थे, तो बाहर अल्ताज दवा खाने वाली रोड है, और सामने जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसा टैक्सी स्टैंड वाला सा बोर्ड लगा होगा, और उसके बिल्कुल साथ में जो गली जा रही है इसमें आपको एंटर करना है, ठीक है। इसी में अभी मैंने आपको स्टार्टिंग के फैंसी ड्रेसेस दिखाए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक भैया जी की शॉप मिलेगी, जो कि बहुत अच्छा कलेक्शन लिए हुए थे टॉवल्स का। इनके पास में आगे जो टेबल पर सेल है उसमें 400 रुपये के 2 कोई भी टॉवल आप ले सकते हो, और वो भी बड़े साइज़ के हैं, और बाकी तो इनके पास में 300 का भी एक है, 400 का, 500 का, इस तरीके से सब अलग अलग रहते हैं। नेक्स्ट एक आंटी जी हैं जो हमेशा इस गली में मुझे मिलती हैं जब भी मैं जाती हूँ, कभी ये लहंगे लाती हैं, कभी छोटे बच्चों का कोई भी ड्रेस मतलब ये लेकर आती हैं। तो जैसे आप ये सामने स्काई ब्लू बेबी पिंक देख रहे हो, ये वो 300 वाला है, और नीचे जो आप मैरून वाले देख रहे थे वो 200 के हैं।
बहुत ही प्यारे से ये लहंगे लगते हैं। इनमें आंटी जी कोई दुपट्टा नहीं दे रही थी, बट बाहर आपको मैंने इतना फैब्रिक दिखा दिया कि दुपट्टा आप खुद से तैयार कर सकते हो। 300 रुपये में सिला सिलाया लहंगा इतना प्यारा बेबी कल का आपको मिल रहा है। और सामने भी यहाँ पे जो सब लगा हुआ है, ये गाउन होगा या लहंगा होगा, इस तरीके से सब रेडी टू वेयर रहता है। अब इस गली में भी ना अंदर पतली पतली बहुत गलियाँ जाती हैं, तो जिस गली में अभी मैं हूँ उसके बारे में तो मत ही पूछो। मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, फिर भी दुकानदारों ने वहाँ पे दुकान लगाई हुई थी। आई डोंट नो हाउ, मतलब इस हिसाब से तो ग्रीन मार्केट मुझे लगता है बहुत चौड़ा है। सीलमपुर थर्सडे मार्केट की गलियाँ आगे जाके काफ़ी नैरो हो जाती हैं। तो इन भैया के पास में ऐसे रेडी टू वेयर ब्लाउजेस मिल रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे एक भैया पैचेस लेकर बैठे हुए थे और इस पर जरकन का वर्क मतलब बहुत हैवी है। नेट पे इन्होंने बना तो दिया लेकिन एक एक कट पीस काफ़ी ज़्यादा हैवी था 20 रुपीज़ की सेल में। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये नेट में है, ठीक है, ये देखो ये नेट में है। दबके का भी काम किया हुआ है भाई, कटदाना लगा हुआ है। अगला जो आप देख रहे हो इसमें मोती शीशा पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। तो इनके सबके अलग अलग प्राइस होते हैं, जितना हैवी वर्क होगा वैसा ही प्राइस होगा। ये 100 रुपीज़ का है मात्र, देख सकते हो। तो आप अगर बुटीक रन करते हो या आपको सिलाई कढ़ाई का ज्ञान है तो इस मार्केट में आप ज़रूर आइए, ज़रूर आके परचेजिंग कर सकते हैं मात्र 100 रुपीज़ में। देखिए वेलवेट का ये फैब्रिक है, इसमें बैक का नहीं था भैया के पास, सिर्फ फ्रंट फ्रंट का है। तो बैक का तो आप कहीं से भी लेके जो है साथ में लगा सकते हो। ये एक इनके पास में सिला सिलाया ब्लाउज था 200 रुपये की रेंज में, क्रॉप टॉप टाइप का, साइड में चेन लगी हुई है। पर 200 में देखो कपड़ा भी नहीं आता ना वर्क होता है और सिलाई तो बिल्कुल भी नहीं होती। 200 रुपये में सिला सिलाया भैया जी के पास में मिल रहा है। तो अब आप पूछोगे इनकी लोकेशन कहाँ है, तो आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकती कौन सी भूल भुलैया में मैं गई हुई थी अंदर। बाहर जब मैं बस निकली हूँ फिर से इसी गली में, जब ये थोड़ा और आगे चौड़ी हो जाती है, तो यहाँ पे मात्र 750 रुपये में क्रॉप टॉप मिल रहे थे, काफ़ी बढ़िया। और ये लेवेंडर शेड का वन पीस गाउन है नेट का, काफ़ी प्रिटी लग रहा है, ओनली 1050। मतलब अगर आप स्वीट 16 हो या आप टीनेज हो या आपके कॉलेज में कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, घर में कोई फंक्शन है, तो 1050 रुपीज़ में आप इतना प्यारा सा गाउन यहाँ से ले सकते हैं। इन भैया जी ने अभी बस सूट लगाने यहाँ पे स्टार्ट ही किए थे, 300 रुपये में इनके पास सूट मिल रहे थे प्योर कॉटन के। इनके जस्ट पास में एक यहाँ पे सेल लगी हुई थी 100 रुपीज़ की। देखिए अभी जो मैंने आपको बस गली दिखाई ना स्टार्टिंग में, जहाँ पे वो टूर एंड ट्रैवल वाला बोर्ड लगा हुआ था, बस उसी गली से मैं अंदर आ गई हूँ। अब वो गली लेफ्ट में भी जाती है, राइट में भी जाती है, सीधे सीधे भी जाती है, तो उसी सब एरिया की मैं शॉप्स आपको दिखा रही हूँ। भैया के पास में मात्र 100 रुपीज़ की सेल थी और कुछ आर्टिकल इसमें फ्रेश थे, कुछ यूज्ड थे, तो इनमें से भी आप देख सकते हो काम चलाने के लिए। आगे एक भैया जी ना कुशन कवर वगैरह सेल कर रहे थे पर उन्होंने वीडियो बनाने नहीं दिया, 50 के 2 यहाँ पे दे रहे थे। इसमें काफ़ी अलग अलग डिज़ाइंस थे। इसके बाद जो मैं शॉप आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मात्र 250 रुपये की सेल में सिली सिलाई कुर्तियाँ मिल रही थी सिंगल सिंगल, और ये सब फ्रेश हैं। साइज़ की बात करूँ तो इसमें डबल एक्सल तक के साइज़ थे। और सीलमपुर की थर्सडे मार्केट में ना आपको सिले सिलाई के बहुत ही सारे ऑप्शन मिलेंगे, स्मॉल से लेके एक्सल डबल एक्सल तक का साइज़ यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन अब जो भी चीज़ लेना बस अच्छे से उसको चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। क्वालिटी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ में बोलूँगी, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि होता ही है, हो सकता है, तो इसलिए उसकी सिलाई कढ़ाई अच्छे से चेक कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे एक भैया जी एवं ही बहुत ही प्यारे से थैले सेल कर रहे थे ओनली 30 रुपीज़ के। जब कोई आप बड़ा सा स्टफ टॉय लेते हो या किसी दुकान से साड़ियाँ या सूट इकट्ठे लेते हो तो इस तरीके का आपको पैकेट मिलता है, तो ये वही पैकेट थे। इनके बाद में यहाँ पर एक भैया जी लेसेस सेल कर रहे थे 2 रुपये मीटर के हिसाब से, देख सकते हो। और मुझे ना इसमें ये एक तो वाइट वाली जिसमें रेनबो शाइन है और एक रेनबो कलर वाली ही, ये दोनों बहुत प्यारी लग रही थी, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये मीटर के हिसाब से। और ये भैया बोले कि मैं 1 मीटर भी दे देता हूँ, कोई लेता है तो ऐसा नहीं आपको पूरा ही लेना है, 1 मीटर भी दे देते हैं। नेक्स्ट जो शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर तो सुबह सुबह ही इतनी भीड़ लगी हुई थी। ये भैया फैब्रिक लेकर आते हैं बहुत ही गजब वाला और काफ़ी जेन्युइन रेट्स पर सेल करते हैं। अगर किसी को एग्जैक्टली पता है कि ये भैया कौन है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, पर मैंने खुद इनका फेस ना तो कवर किया और ना कुछ, क्योंकि मैं उनके कपड़े के डिज़ाइन में खो गई थी। इनके जस्ट पास में यहाँ पर प्लेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक मिल रहा था, प्राइस आप देख सकते हो, कलर भी इसमें काफ़ी सारे हैं। इनसे आगे यहाँ पे आपको ऐसा लाइक्रा सीक्वेंस मिल जाएगा ओनली एंड ओनली 150 रुपीज़ मीटर के हिसाब से, जिसे आप लेके 1 मिनट साड़ी प्रिपेयर करा सकते हो। फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसके 3 से 4 कलर्स भी सामने डिस्प्ले में हैं। फैब्रिक मार्केट है ये सीलमपुर थर्सडे मार्केट, बेसिकली बहुत सारा फैब्रिक आपको मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका प्योर कॉटन का फैब्रिक था। नेक्स्ट अब जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ इनकी आसपास की लोकेशन मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अंकल जी का सामान भी बड़ा एंटीक था। तो ये आपको मात्र 250 रुपये में मिल रहा था ढक्कन के साथ में, जैसे मैं आपको दरियागंज में ऐसा ऊटपटांग वाला एंटीक सामान दिखाती हूँ ना, बिल्कुल वैसा ही सामान था अंकल जी के पास में। तो ये स्टार्टर प्लेट आप देख सकते हो, MRP इस पर कोटेड है
और यहाँ पे अंकल जी मात्र 150 रुपये में दे रहे थे। ये चॉपिंग बोर्ड है यार, इतना बढ़िया लग रहा था ये 100 रुपीज़ का, बहुत ही बढ़िया शाइनी सा। पीछे यहाँ पे क्रॉकरी के कई आइटम्स अंकल जी ने लगा रखे थे डिस्प्ले में, और जैसा अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया उसके छोटे छोटे बॉक्स भी यहाँ पर आते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये है तो वो गत्ते का ही बना हुआ है, लेकिन बहुत सॉलिड है, जो भी है वुड है या गत्ता है मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी सॉलिड और लाइट वेट था। ओनली 100 रुपीज़ में आप ऐसा ले सकते हो एक बॉक्स, चार लोगे तो भाई 400 हो गए। और यहाँ पे इस तरीके का आपको ट्रे मिल रहा था सेम, तो ट्रे ले लो या कोई भी चीज़ आप ले लो ऐसी सेम टू सेम वाली 100 रुपीज़ की मिल रही थी। और ये अंकल ने बताया मुझे मेड इन इटली की बॉटल है, मुझे नहीं पता है या नहीं है, अंकल ने बताया 150 रुपये की दो। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे चटनी के लिए छोटी छोटी कटोरियाँ मिल रही हैं, या आप जो देख रहे हो इसमें घी तेल नहीं लगा हुआ, इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। और अंकल जी ने ना फेंक के मारी एकदम से सड़क पर, और फिर कहते देखो बेटा ये टूटती नहीं है। बिल्कुल विश्वास हो गया मुझे, आप भी विश्वास कर सकते हो, और जब भी आओ उठा के फेंक देना सड़क पे, बोल देना अंकल को कि मैं तो ट्राई कर रही थी। यहाँ पे ऐसे स्पून्स वगैरह अंकल जी के पास में मिल जाते हैं, तो कभी भी कुछ भी आ जाता है। सामने आप जो बोर्ड देख रहे हो सूट वाली गली में अक्सा कलेक्शन है, ठीक है, अक्सा कलेक्शन के पास आपको आना होगा सूट वाली गली में, वहाँ पर अंकल जी की शॉप होती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक भैया जी ने सुबह सुबह बड़ा अच्छा सूट का कलेक्शन लगाया हुआ था, सेल थी 350 रुपये की रेंज। ये जितना भी आप देख रहे हो पंजाबी सूट भी थे इसमें, कॉटन के भी थे, जॉर्जेट के भी थे, एम्ब्रॉयडरी वाले प्लेन सूट सभी तरीके के हैं, मात्र 350 रुपये के। लेकिन मुझे बस ये बताओ कि जैसे सूट मैं आपको इंद्रलोक में दिखाती हूँ वो तो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखे, सूट वाली गली में भी नहीं दिखे, तो कहाँ मिलते हैं फिर वो सीलमपुर में? परमानेंट शॉप में अंदर तो मिलते ही होंगे नो डाउट, वो तो आपको पर्सनली विज़िट करके जाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे तो वैसे वाले नहीं मिले जैसे डिस्पेंसरी रोड में मैं आपको दिखाती हूँ, क्रेप के उपाड़ा के, वैसे मुझे नहीं दिखे कहीं पे भी, प्लीज़ बताना, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको अक्सा कलेक्शन दिखाया ना उसके बिल्कुल सामने वाली लेन में ही आपको बहुत ही अच्छा बेडशीट का कलेक्शन मिल जाएगा 60 रुपये में, मात्र यहाँ सिंगल बेड की मिल जाती है। जयपुरी कॉटन आपको मिल जाएगी सेट में 300 रुपये, मतलब सेट मतलब डबल बेड की और दो पिल्लो कवर के साथ में। तो ये भैया की दुकान प्रधान जी एसोसिएट्स के बिल्कुल सामने आपको मिलेगी, और प्रधान जी एसोसिएट्स से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पे एक और भैया ने 450 रुपये में सूटों का सेल लगाया हुआ था, ये जो सारा मैं आपको दिखा रही हूँ A to Z, चाहे आप जॉर्जेट का ले लो, ऐसा हैवी सीक्वेंस का ले लो, ये जितना भी आप देख रहे हो सुरोस्की भी है, एम्ब्रॉयडरी वाले भी हैं, तो ये सब आपका 450 रुपीज़ का था। ज़्यादातर इसमें कॉटन, ग्लेस कॉटन, जैम कॉटन, इस तरीके के सूट्स थे, ठीक है। तो इनके भी कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ये सूट वाली गली है बस मुझे इतना याद है। तो यहाँ से सूट आप ले सकते हैं, और इनके जस्ट बगल में देखिए ये आंटी जी के पास में सब कुछ सिलाई का है, सब कुछ, चाहे जो मर्ज़ी आप बस नाम बोलो उस चीज़ का और वो आंटी जी के पास में हाज़िर है। तो इस मार्केट में सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड तो बहुत ही बढ़िया सामान मिलता है, और इनको तो कमेंट करके आप ही बताओ कि कौन सी मार्केट में आप देखते हो। तो इन अंकल जी के पास में भी यहाँ पर भी ग्लेस कॉटन का बहुत ही बढ़िया कलेक्शन मिल रहा है, 300 रुपये में दो ग्लेस कॉटन की बेडशीट आपको मिल जाएगी, वो भी डबल बेड के साइज़ की, ठीक है। और नेक्स्ट जो वैरायटी आपको मैं दिखा रही हूँ इस तरीके की आपको मिल जाएगी 250 रुपये की दो। तो जो थोड़े नए नए कलर्स होते हैं वो आपको 300 के दो मिलते हैं, और जो थोड़े लाइट कलर्स इस तरीके के मिलेंगे या जो पैटर्न और डिज़ाइंस थोड़े ओल्ड हो चुके हैं तो वो अंकल जी यहाँ पे 250 के टू आपको दे देंगे। इनकी शॉप से ही थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे ना तो ये शॉप है जहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम दुपट्टा भी परचेज़ किया था, बहुत ही धासु वाला, पर इस बार मुझे उस तरीके का कुछ नहीं मिला। और इसको देखो पहले कैसे डांस कर रही है, तो यहाँ पर पूरा भैया ने ढेर लगा रखा है। कुछ इसमें जो कलेक्शन है वो है 150 के दो, और कुछ जो है वो ओनली 50 रुपीज़ की रेंज में आपको सिंगल दुपट्टा मिल जाएगा। जैसे कोई भी सूट आपका है ना जिसको आपको लगता है कि इसका दुपट्टा अच्छा नहीं है या इसका दुपट्टा फट गया है, ख़राब हो गया, तो इस पूरे ढेरी में आपको कहीं ना कहीं उसके लायक कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। जैसा मैं आपको इंद्रलोक में दिखाती हूँ तारिक भैया के दुपट्टों का कलेक्शन, उस तरीके का नहीं है, इसमें ज़्यादातर जॉर्जेट, शिफॉन, इस तरीके के डिज़ाइनर या प्रिंट वाले दुपट्टे थे, उस तरीके के नहीं है जो मैं आपको तारिक भैया के पास में दिखाती हूँ। तो इनकी दुकान जुनेद हैंडलूम के जस्ट पास में लगती है, और यहाँ से जो मैंने दुपट्टा लिया था ना उसे आज तक मैंने कितना वेयर किया है मुझे नहीं पता, क्योंकि उस पर शिफॉन दुपट्टा है चांदले के वर्क के साथ में, बहुत ही सुंदर येल्लो कलर का, अभी तक रखा हुआ है और मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट जो बेडशीट वाले अंकल मैंने आपको दिखाए उन्हीं के पास में यहाँ पर एक फैब्रिक वाले भैया हैं जिनके पास ऐसा रियॉन क्रेप मिल रहा था, और नेक्स्ट इनके पास में ऐसे नेट का फैब्रिक मिल जाएगा आपको मात्र 50 रुपये मीटर में। ये भैया ऑनलाइन नहीं देते हैं तो आपको मार्केट विज़िट करके ही परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाले भैया हैं। और ये रहे अंकल जी,
इसके बाद मुझे दोबारा से एक शॉप मिली सूट्स की, और यहाँ पे भी मुझे लेकिन वैसा कलेक्शन नहीं मिला जो मैं इंद्रलोक में आपको दिखाती हूँ। सो प्राइस रेंज है इनके पास में मात्र 650 रुपये, और इनका ये पाकिस्तानी सूट बड़ा ही यूनिक लग रहा था। हैवी मिरर वर्क है इसमें, और अभी हम आपको इसे ओपन करके दिखाते हैं। तो ये देखिएगा पूरा, ये जॉर्जेट के फैब्रिक में है, इसमें रेनबो सीक्वेंस का वर्क है बहुत ही प्यारा सा, और साथ में इसका नेट का दुपट्टा है। लेंथ वगैरह भी इसकी काफ़ी मतलब बढ़िया है, लंबाई में जिस तरीके से पाकिस्तानी सूट बनता है। तो ये सब सूट जो मैं दिखा रही हूँ सब थे यहाँ पर 650 रुपये की रेंज में, और ये भी जो शॉप है सूटों वाली गली में ही देखी थी मैंने सुबह सुबह, तो इसीलिए आपको यहाँ पे मैं दिखा पा रही हूँ। लेकिन आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इंद्रलोक में जिस तरीके की मैं आपको सूट दिखाती हूँ वो सीलमपुर में एग्जैक्टली कहाँ मिलेंगे, थर्सडे मार्केट में वो कहाँ मिलेंगे। जैसे मैं दिल्ली कलेक्शन वाले भैया के पास दिखाती हूँ, या हारून भैया के पास दिखाती हूँ, या ऑर्गेन्जा वाले और ये सब प्योर के सूट दिखाती हूँ, तो वो इस मार्केट में कहाँ मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है नहीं मिलते, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी शॉप पर अंदर भी 750 रुपये की कुछ सेल थी, तो वो सब सूट्स भी आप विज़िट करके परचेज़ कर सकते हो। और जो भी इस मार्केट में लेना बस अच्छे से उसको चेक ज़रूर करना। मार्केट में बिल्कुल इंद्रलोक वाली और बल्कि उससे भी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो प्लीज़ और प्लीज़ अपने पर्स मोबाइल का ध्यान देना। ये मार्केट ना सुबह 7:30 बजे लगनी शुरू हो जाती है, तो आप पहुँचने के साथ ही कुछ ना कुछ यहाँ से शॉपिंग करना शुरू कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम दे रही हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो मुझे और झेलने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।